देखिए, फर्स्ट टाइम हमने इसकी स्क्रीनिंग की है ये पर्टिकुलर सेक्शन के लिए, जो जिसके लिए टारगेट कर रहे हैं हम। सारा नेशन तकरीबन 30-40% भोजपुरी बोलता है, तो रिस्पांस देखकर तो मतलब बिल्कुल रोंटे खड़े हो गए हैं। और परफॉर्मेंस तो देख ही लिया आपने, कितना अच्छा है। बाकी जल्दी प्लान करके रिलीज़ करेंगे इसको। सॉरी सर, इसी सब्जेक्ट पे फिल्म बनाने का आइडिया कैसे आया आपको? ये आई थिंक ये सब्जेक्ट फ़िलहाल के लिए बहुत ही क्रिटिकल सब्जेक्ट है, जब औरतों पर बात आ रही है और आजकल रेप केसेस और औरतों के साथ ज्यादती इतनी ज़्यादा हो रही है कि हर रोज़ न्यूज़पेपर में कम से कम 10 खबरें इसमें इससे भरी होती है। बहुत इम्पॉर्टेंट है इस पर लाइट डालना और अपने तरीके से जो भी है, और हम ये बताना चाह रहे हैं लोगों को कि ये आज तो अभी न्यूज़पेपर के ज़रिए आ जाता है, ये उस ज़माने की भी बात है कि कम से कम 50 सालों से ये प्रथा चली आ रही है। तो हाईलाइट जब तक करेंगे नहीं इस पर और लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक ये चीज़ें ख़त्म नहीं होगी। बाकी दूसरे सब्जेक्ट भी है जिन पर बहुत सारी फिल्में बनती है, वो एंटरटेनमेंट के लिए बनती है, और ये है एक मैसेज ओरिएंटेड फिल्म। दूसरा, प्रधानमंत्री जी ने जो अभियान शुरू किया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो भी हमारे दिमाग में था, और हमने सोचा क्यों ना एक फिल्म डेडिकेट करें दुनिया भर की बेटियों को, इसलिए नाम भी हमने दिया रखा। पाकी जी की एक्टिंग, आई थिंक इसमें कोई शक ही नहीं है कि इनसे अच्छा इस कैरेक्टर को कोई खींच नहीं पाता। मतलब इस तरह से इन्होंने जस्टिफाई किया है गंगा के कैरेक्टर को कि मैं जब दिया सोचती हूँ और गंगा सोचती हूँ तो मैं सिर्फ पाकी जी को ही सोच सकती हूँ, मुझे नहीं लगता इनसे बेहतर कोई इसको कैरेक्टर को निभा पाता। आपने जो बस यही कहना चाहूँगी कि जब मैंने ये गाना किया और एज अ मदर जब मैंने वो कैरेक्टर निभाया तो मुझे लिटरली मतलब रोने की कोशिश भी नहीं करनी पड़ी। जो मुझ पर गुजरी उस वक्त की एक बेटी की लाश अगर सामने होगी किसी भी माँ के तो वो कैसा रिएक्ट करेगी, वो नेचुरली आता है। तो बाकी सारी माओं को दुनिया में जो इन चीज़ से दिन रात लड़ रही है उन सबको हमारी पूरी पूरी सहानुभूति है। हमारी तरफ से ये सारी दुनिया भर की माओं को, बहनों को, बीवियों को, बेटियों को, बेटियों को, सबके लिए एक सलाम है, हमारा एक सैल्यूट है। तो कोशिश की है हमने, बाकी अभी आप लोगों का, आप किस तरह इसको पहुँचाते हैं लोगों तक वो बहुत ज़रूरी है।